हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मान्या को मैं काफ़ी कुछ सुना देती हूँ, तो मान्या कहती एकदम चुप और मुझे काफ़ी कुछ सुनाने लगती है। मेरे मुंह पे हाथ रखा होता है उसने तो मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रही होती हूँ, तो मैं उसे इशारा करती हूँ कि मुँह तो खोलो मेरा, तब तो मैं कुछ बोलूँ। तो मान्या कहती बिल्कुल नहीं, आप ना ऐसे ही रहो, और ख़बरदार अगर आपने अब कुछ बोला मेरा आवाज़ सुने। अरे इंसान फ़ोन नहीं कर रहा है तो कम से कम सुन तो लेना चाहिए, पूछ तो लेना चाहिए कि तुम्हारे पास फ़ोन है, तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया, ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई जो तुम यहाँ चली आई। नहीं, आपने तो अपना परसेप्शन बना लिया ना कि यही हुआ होगा, यही किया होगा, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। सही है आपका भी, नहीं आप बिल्कुल ठीक सोचते हो, दिमाग जितना उतना ही तो सोचोगे ना। तो मैं जो है अपने मुंह से उसका हाथ हटाने की कोशिश करती हूँ, बट वो और ज़्यादा टाइट कर देती है और मुझे एकदम से और पीछे धक्का देती है। तो मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ और उसे पीछे की तरफ करती हूँ और झटके से उसका हाथ अपने मुंह से हटाती हूँ और कहती हूँ कि क्या हुआ है, क्यों इतना परेशान हो, बात क्या है, बताओगे। कहती आप सुनना चाहोगे, खबरदार अगर अब आपने कुछ बोला तो, अब जो मैं बोल रही हूँ ना आप सुनो, समझ में आया, क्योंकि आपने तो बोल लिया जितना आपको बोलना था, दूसरे की ना सुनने की बात टाल लो। तो मैं कहती हूँ अच्छा बाबा बोलो, बोलती चुप ना, बोला ना चुप रहो, मैं बोलूँगी बस। कहती हूँ हाँ तो तुम ही बोलो, बोलो तो सही। तो चुप हो जाती है और फिर मैं कहती हूँ बताओ क्या बात है, ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा। कहती यही बात आप पहले भी पूछ सकते थे चिल्लाने से। कहती हूँ अब बहस करनी है या कुछ बोलना भी है। और इधर जो है निधि वो ज़ारा से मिलती है, ज़ारा पूछती है कि क्या हुआ निधि, क्या बात है। कहती है कि उसे बातें बताती है कि आरू का फ़ोन इस तरह रात को आया था और इस तरह से बातें हुई, देन उसके बाद मैंने सुबह फ़ोन किया तो उसके घर पुलिस आ गई थी और आई थिंक उसे लेके गई है, बट कहाँ लेके गई है, किधर लेके गई है कुछ पता नहीं चल रहा, और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, कुछ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी क्या करें। तो ज़ारा कहती है कि जब कुछ पता ही नहीं है तो जाएं कहाँ। कहती है कि पता नहीं, नहीं समझ में आ रहा मुझे भी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो ज़रा कहते किस बात की टेंशन हो रही है, कुछ ऐसा कहा था वो आरू ने, कुछ तो पता होगा। तो निधि कहती है कि आरू ने ये कहा था कि मानवी अपने पापा से इन दोनों के बारे में बात करने वाली है। तो ज़रा कहती है ओके, तो एक काम करना मान्या को कॉल कर, मान्या तो मानवी के पास ही होगी ना, पता चलेगा कुछ। तो कहती है कि मान्या का नंबर नहीं है मेरे पास, मैं क्यों मान्या का नंबर रखने लगी। तो ज़ारा कहती है यार जब मान्या का नंबर नहीं है तुम्हारे पास तो क्या करें, कैसे जाएं, कैसे पता करेंगे आरू कहाँ है इस टाइम पे, मानवी को कॉल करो। तो कहती है मानवी का फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है, मैंने कॉल किया था। कहती है इसका मतलब उसके पापा को सब पता चल गया। कहती है हाँ आरू ने तो ये बताया था कि उसके पापा एग्री नहीं कर रहे उन दोनों के रिलेशनशिप को लेके, वो मना कर रहे थे, इतनी बात तो मेरी हुई थी। तभी जो है पुलिस वाले आ गए थे और उसे लेके गए हैं। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या हुआ है, जो कहीं आरू ने गुस्से में कुछ। तो ज़ारा कहते नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, आरू का गुस्सा ऐसा नहीं है, ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। और उसमें कितना भी गुस्सा हो, मानवी के पेरेंट्स को कभी हर्ट नहीं करेगी, कभी नहीं, ये हो ही नहीं सकता, कुछ तो बात है, कुछ और बात है। और आई थिंक मानवी को भी इस बारे में पता नहीं है, नहीं तो अब तक तो निधि कहती हाँ मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है और पता नहीं क्या ही हुआ है, समझ नहीं आ रहा है। कल तक तो सब कुछ ठीक था, आज सडन ऐसा क्या हो गया है, भगवान करे बस सब कुछ ठीक हो। तो कहती है होप सो, बट अभी पता कैसे करें,
क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये दोनों काफ़ी देर तक सोचते रहते हैं और तभी जो है ज़ारा कहती है कि अरे आयु को कॉल करें, मान्या का नंबर आयु के पास होगा ना, वो दोनों रिलेशनशिप में है। कहती है यार तो उन दोनों का रिलेशनशिप पता है ना, और आयु इतनी जल्दी तो, कहती है देखो उसने बात भी तो की थी ना, लिया ही होगा नंबर। इस समय हम जो भी हमको जो भी समझ में आ रहा है सब कुछ ट्राई कर लेते हैं ना, कहीं से कुछ उम्मीद हो जाए। तो कहती है कि ठीक है बट मुझे लगता नहीं है कोई फ़ायदा होगा। कहती है फ़ायदा होगा नुकसान होगा ये तो बात की बात है, अभी तो जो जहाँ से जैसे समझ में आए वो सोचना चाहिए। तो कहती है कि ठीक है करो आयु को कॉल। तो फिर ज़रा मेरे को कॉल करने लगती है, मेरा फ़ोन साइलेंट पे होता है तो मुझे फ़ोन का पता नहीं चलता। मैं इधर मान्या से कहती हूँ बोलोगी अब बात क्या है या पोजेस देने हैं। कहती फिर बोले उल्टा बोलना बंद कर दो मैं बता रही हूँ। कहती हूँ अच्छा देवी ये तो बताइए क्या बात है, इतना क्यों भड़की हुई हो, फ़ोन का है तुम्हारा जो तुम फ़ोन नहीं कर पाई, क्या हुआ है कुछ तो बोलो, तभी तो कुछ बताऊँ तभी तो कुछ रिएक्ट करूँ, ऐसे कैसे क्या कहूँ बताओ, बेवजह भड़की पड़ी हो यार। तो कहती है मैं बेवजह नहीं भड़की हुई हूँ। तो कहती है तो बात तो बताना। तो कहती क्या, मैंने कहा बात तो बताओ ना। तो फिर वो मुझे सारी बातें बताना स्टार्ट करती है, तो मैं सब सुनती हूँ। और उसके बाद कहती हूँ कि अच्छा तो मतलब तुम्हारी मौसी जी ने अपना काम कर दिया है। कहती है हाँ, और इसी वजह से अंकल काफ़ी भड़के हुए हैं और किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं कहती हूँ ओके तो आरू को ये बात पता है, वो मुझे अभी तक पुलिस वाली बात नहीं बताती है, सिर्फ आरू के बारे में मतलब जो बातें मानवी और उसके पापा के बीच में होती है यही बताती है। तो कहती है आरू को सब पता है। तो मैं कहती हूँ तो इस समय तो काफ़ी परेशान होगी। कहती है परेशान नहीं होगी। कहती हूँ तो क्या खुशी मना रही होगी। कहती है वो पुलिस स्टेशन में होगी इस टाइम पे, पुलिस पकड़ के ले गए होंगे। मैं कहती हूँ क्या। कहती हाँ। मैं कहती ये कब हुआ, क्या सुबह। मैं कहती हूँ तो तुम किस्तों में बातें बताओगी, टैक्स लग रहा है क्या। कहती है फिर उल्टे बोले। कहते हो यार तुम इतनी देर से तुम यही बात अभी तक बता पाई हो, पूरी बात क्यों नहीं बता रही हो। तो कहते हैं कि अरे यार उस बात के बाद मैंने कहा अच्छा माहौल क्रिएट कर रही थी इस बात को बताने के लिए, हद है। तो कहती है मुझे ना गुस्सा आता है आपसे बात करते हुए। मैं कहती हूँ तुम मत करो, गुस्सा आता है तुमको, उल्टी हरकतें करो फिर तुम्हें गुस्सा आता है, बोलो। अरे यार ये बात तो पहले बतानी चाहिए थी ना, इतनी देर से रात की कहानी का पंचायत गा रही हो। तो कहती अब बता दिया ना, अब कर लो जो करना है जाके। तो मैं कहती हूँ कि क्या कर लूँ, तुम्हारे अंकल पागल हैं क्या, दिमाग से पैदल हैं। कहती क्या कह रहे हो। कहते और क्या, इस तरह की चीप हरकत कौन करता है, मतलब अपनी लड़की को रूम में बंद कर दो, फ़ोन ले लो, दूसरे की लड़की के फ़ोन से डेटा ही गायब कर दो, फिर लड़की के जो है प्यार को जेल करवा दो। कौन सी मूवी देखी थी हाल फिलहाल में, 90s की कोई मूवी देख ली थी क्या उन्होंने। तो कहते क्या है, कहते यार ये क्या हरकत है, उसको जेल में डलवाने के क्या इल्ज़ाम लगाया, चोरी का हा? और पुलिस वाले पागल थे, चोरी के इल्ज़ाम पे ले गए उसको, चेक तो कर लेते चोरी का माल उसके घर में मिला भी कि नहीं, कुछ भी कहाँ लेके गए हैं चलो। तो कहते हैं कि मुझे नहीं आइडिया है कहाँ लेके गए हैं। कहते हो वाह तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है,
तुम बस मुंह उठा के मेरे पास चली आई। तो कहती है आपसे ना बहुत ही करना बेकार है, मेरे पास आपके किसी ना फ्रेंड का नंबर नहीं था, नहीं तो मैं वहाँ जाती सीधे, आपके पास आती ही नहीं, समझ में आया आपको। कहते अरे फ्रेंड से याद आया यार, अपने फ्रेंड्स को कॉल करती हूँ ना, उन्हें शायद कुछ पता हो, उनकी बात हुई हो किसी से। तो उनकी बात किससे होगी? कहती मुझे क्या पता, किसी से तो हुई होगी। तो कहती है कि कर लो बात, कर लो पता, कुछ पता चल जाए तो। तो मैं जो है फ़ोन करती हूँ फिर निधि को। तो निधि जो है फ़ोन देखती है तो कहती है आयु का ही कॉल है, आ गया शायद, फ़ोन देखा होगा। तो इधर मैं कहती हूँ निधि की भी बहुत सारी कॉल आई हैं, लग रहा है उन्हें पता चल गया है कुछ। तो कहती है कि आई है कॉल? मैं कहती हूँ नहीं, मैंने उर्दू में बोला ना अभी आपको। हाँ, कहती है यार, ऐसे मन में बड़बड़ाती है कि यार कहाँ फंस गई हूँ मैं, क्या चीज़ है ये, समझ ही नहीं आता, कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करनी होती इसको। तो ऐसे बोलती है। और इधर मैं उसे कहती हूँ कि ज़्यादा टेंशन ना लो, छोटी सी बात है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, इसमें इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो कहती है इतना चिल कैसे? मैं कहती हूँ प्यार किया है भाई, थोड़े बहुत पापड़ तो उसको बेलने पड़ेंगे ना, घर बैठे लड़की थोड़ी ना मिल जाएगी, वो भी ऐसे रिलेशन में, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो कहती है हद है आपकी भी। मैंने कहा झेल गई ये, लेकिन ये था ये, इसने तो अपने प्यार में झेल के भी दर्शन कर लिए, हमने तो आज तक नहीं देख सोचा था ऐसा, कि ऐसा भी कुछ हो सकता है उसके साथ। कहती है कि अच्छा फ़ोन उठाया नहीं दिन है? तो मैं कहती हूँ अभी नहीं, पता नहीं क्या ही कर रही है। तो फिर निधि फ़ोन मेरा उठाती है, मैं कहती हूँ क्या हुआ फ़ोन, क्या क्या मतलब फ़ोन उठाने में दिक्कत हो रही थी? तो कहती है कि नहीं हैंग हो गया था। तो मैं कहती हूँ अच्छा फ़ोन चेंज कर ले। तो कहती है कि वो छोड़ मुझे तो उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कहती हूँ हाँ बोल। कि आरो को पुलिस पकड़ के ले गई। मैं कहती हूँ पता है मुझे। कहते तुझे पता है? कि हाँ मुझे पता है। क्यों? कहते तो इतनी देर से कॉल करके हमें क्यों नहीं बताया? मैं कहती हूँ अभी अभी पता चला है मुझे, कॉल करके क्यों नहीं बताया, रात को सपने में थोड़ी आके मुझे बता के गई थी। कहती है मैंने कहा तुझे कैसे पता? तो कहती है सुबह मेरी बात हो रही थी तो मैंने फ़ोन पे सुना था। तो मैं कहती हूँ अच्छा तो मुझे क्यों नहीं बताया कॉल करके? तो कहती है मैंने ज़ारा को कॉल किया था। मैं कहती हूँ ओके, मतलब वैसे तो छोटी छोटी बातों पे मुझे कॉल किया जाता है। हाँ आज इतनी बड़ी बात हो गई तो ज़ारा को कॉल किया जा रहा है, क्या बात है, सही है सही है। लड़कियों का भी ना कुछ पता नहीं होता कब क्या करेंगी। तो कहती है मुझसे बाद में लड़ लेना, पहले देख लें आरू का क्या करना है। भाई तो तुम्हें कैसे इस बात का पता है? मैं कहती हूँ मान्या आई है मेरे पास। कहती हूँ ओके। तो मान्या ने तुम्हें फ़ोन ना करके डायरेक्ट वहीं पहुँच गई? कहती हूँ ये सब बातें बाद में करेंगे, मैं अभी आती हूँ ऑफिस से ऑफ लेके, कहाँ मिलना है ये बताओ, तो हम लोग एक जगह डिसाइड करते हैं और वहाँ से मैं और मान्या निकलते हैं और उधर से ज़ारा और निधि। इधर आरू परेशान हो रही होती है बहुत ज़्यादा। आरू कहती है मैंने किया क्या है, आपके पास सबूत क्या है कि मैंने चोरी की है? बस किसी ने कह दिया और आप मुझे उठा के ले आए। तो पुलिस वाले कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे में तुम साफ दिख रही हो। कहती है अरे मेरे पास कोई मोटिव भी तो होना चाहिए, मेरा बैकग्राउंड तो चेक कर लीजिए, मैं चोरी क्यों करूँगी, मेरे पास खुद बहुत पैसा है, मुझे चोरी करने की क्या ज़रूरत है, आप ये तो सोचिए। तो पुलिस वाला कहता है कि शट अप, मुझे तुमसे कोई फालतू बातें नहीं करनी, ज़्यादा बोले तो कोई और केस लगा के लंबा अंदर कर देंगे। तो आरू कहते हैं ये तो दादागिरी है। तो कहते हैं कि जो समझना है समझो, अब तो तुम फंस गई हो और ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, ये हरकत करने से पहले।
आरू समझ जाती है कि ये उसके बाप के चापलूस हैं और कुछ नहीं। तो वो कहती है कि वो कुछ नहीं कहते फिर के बाद बेवजह बिगड़े, इससे अच्छा वो चुप ही रहती है। तो इधर हम लोग मिलते हैं निधि से और कहते हैं कि हाँ बताओ जी कहाँ है आरू मैडम, कुछ अता पता है? तो कहती है कि नहीं कुछ नहीं पता है। तो हम कहते हैं, ज़ारा कहती है, ज़ारा का दिमाग उस समय बहुत तेज़ काम करता है, कहती है अरे यार यहीं के तो थाने में कंप्लेन की होगी ना, यहाँ की रहने वाली है तो कहीं और तो गई नहीं हो गई कंप्लेन करने उसके पापा जी, फिर मैं जब मिलती हूँ तो सारी बातें बताती हूँ। तो कहती है हद है इसके पापा की यार, इतना नीचे कोई कैसे गिर सकता है? तो मैं कहती हूँ यार वो पापा हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं जो भी उनका मन करेगा। कहती ये सही है पापा हैं तो कुछ भी करो। तो बिल्कुल, अगर उन्हें लगेगा कि उनकी बेटी गलत ट्रैक पे है तो कुछ भी करेंगे ना, तो इसमें उनके पापा की क्या गलती है? मुझे नहीं लगता कोई गलती है, हम अपने हिसाब से देख रहे हैं कि गलत है, लेकिन जिस तरह से उनकी मौसी ने उनके पापा को भड़काया है, वो नहीं भी भड़काया होता तो क्या ये रिश्ता कबूल करना किसी के लिए इतना ईजी है? नहीं ना। तो इस हिसाब से तो वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं? एक बाप के आइडियाज से सोचो तो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, वो होंगे रूढ़ीवादी तो कर रहे हैं ऐसा, तो इसमें इतना पैनिक होने की क्या ज़रूरत है? तो नदी कहती है इसकी फिलॉसफी बाद में सुनेंगे, अभी हम चलें यहाँ के पुलिस स्टेशन आरू को छुड़ाने, कुछ तो करना पड़ेगा ना, उसे छुड़ाना तो पड़ेगा, क्या वो ऐसे ही उसी में रहेगी? मैं कहती हूँ मानवी को ये बात नहीं पता, अभी मानवी को पता होती तो ये होता ही नहीं। तो कहती हाँ ये तो है, कहती हूँ देखो उसे छुड़ाने के लिए सबसे पहले मानवी चाहिए होगी हमें, क्योंकि हम भी क्या ही करेंगे जाके बेल, आज सैटरडे है कल संडे, परसों बेल होगी, आज तो नहीं हो सकती ठीक है। और मैं किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने वाली और ना मैं जो है पुलिस स्टेशन जाने वाली, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे ठीक, इसलिए किसी तरह मानवी को इन्फॉर्म किया जाए, मानवी के कान में ये बात पड़ेगी तो मानवी खुद कुछ कर लेगी। तो मैं एडवाइस करती हूँ, तो हम देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।